हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि जुलाई के मंथ में ये पर्सन कैसा फील कर रहा है आपके बारे में। तो इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि ये पर्सन आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं बता रहा, कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको जानना चाहिए एंड अभी तक इस पर्सन ने छुपा रखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन के मन के अंदर चल क्या रहा है। मैसेजेस फॉर एवीज। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, फोर ऑफ सोर्ड्स and ten of wands. Okay. तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आप उनसे दूर जा रहे हैं एवीज, या आप उन्हें दूर से ही हाई बाय कर देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ ये कोई एक्स भी हो सकता है, या हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा उतावला है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। इस पर्सन का बस चले तो ये कल ही आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलाएंगे, अपने पेरेंट्स से मिलाएंगे और चाहेंगे कि बस सब कुछ फिक्स हो जाए। पर एवरीज, इस पर्सन को लग रहा है कि शायद आप अभी इसके लिए रेडी नहीं हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन अपनी ही तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर रहा है। ओके, आप कुछ भी कह रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब निकाल लेता है ये पर्सन। अगर आप चुप भी हैं तो भी इस पर्सन को प्रॉब्लम है कि एरीज इतने चुप क्यों हैं, ज़रूर गुस्सा होंगे या ज़रूर कोई बात होगी। अब भले ही आपने उन्हें 5 घंटे फ़ोन ना किया हो या कोई टेक्स्ट ना किया हो, उतने में ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें सोचने लगेगा। ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि आपकी रोशनी सबको चाहिए। द सन के साथ आप ये सन हैं जिसकी सबको ज़रूरत है और जो रोशनी की तरह ब्राइट है। तो एरीज, इस पर्सन को लगता है जैसे कि उनके बहुत सारे कंपटीशन हैं और वो आपको खो देंगे। तो आप एक तरीके की इनसिक्योरिटी देखेंगे इस पर्सन के अंदर। डायरेक्टली तो ये पर्सन कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप कुछ घंटे इनसे बात ना करें या रिप्लाई ना करें तो ये पर्सन आपसे पूछेगा कि आप क्या कर रहे थे, क्या कोई और था जिससे आप बातें कर रहे थे या बिजी थे। काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मन के अंदर इनसिक्योरिटी भरी हुई है एरीज। इन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें ये देख नहीं पाते वो चीज़ें नेगेटिव ही होंगी या वो चीज़ें सिर्फ इन्हें नुकसान ही पहुंचाएंगी। एरीज, ये पर्सन आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। ओके, जितना ज़्यादा जान सके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन खुद को डिफेंड भी करेगा। हो सकता है ये पर्सन आपको कहे कि आपको इस पर्सन से बात नहीं करनी चाहिए या उस पर्सन से बात नहीं करनी चाहिए, एंड देन फिर आपसे ये कहेगा कि वैसे ये तो आपकी चॉइस है। वो आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो आपको प्रेशर नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी से अपनी चॉइस से बात करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जेलसी साफ नजर आएगी। ओके, एंड फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन अकेला फील कर रहा है एरीज। और ये इसलिए नहीं है कि आप इन्हें अकेला फील करवा रहे हैं या आप कुछ गलत कर रहे हैं या आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं या आप उन्हें उतना प्यार नहीं दे रहे जितना आपको देना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये पर्सन जितना प्यार आपसे चाहता है उतना ये मिल नहीं रहा। ये पर्सन एक तरीके से ऑब्सेस हो रहा है। दिन भर आपके बारे में ही सोचता रहता है, दिन भर आपको ही ढूंढता रहता है और चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके आप दोनों क्लोज आएं। टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको एक बोझ जैसा महसूस हो सकता है। ओके, ये पर्सन आपको ये फील कराएगा जैसे कि आपको कुछ कहना चाहिए, एक्ट करना चाहिए जल्द से जल्द। इवन इफ अगर आप उसके लिए रेडी नहीं है तो भी आपको ऐसा फील होगा जैसे कि ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आपको भी वही करना चाहिए। लाइक हो सकता है आपको दिन में 10 बार कॉल करें एंड आपका कभी एक दो बार उठाने का मन ना हो तो भी आप उसे उठाएंगे खुद को कन्विंस करके कि आखिर ये पर्सन कितना अच्छा है, कितना ख्याल रखता है, तो आप उन्हें अपसेट नहीं करना चाहेंगे। इस तरीके की कोई ओवरवेलमिंग फीलिंग आपके अंदर आ सकती है। टेन ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन के बारे में भी है।
ये पर्सन एक बोझ कैरी कर रहा है, कब से कैरी कर रहा है, और यू नो इस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर दिख रहा है, इस चीज़ का असर इनके अंदर दिख रहा है. ओके, ये हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करते आए और लगता है दूसरों से कभी भी इन्हें उतना प्यार नहीं मिला जितना कि चाहिए था. तो अब इनकी उम्मीद ये है कि सबके हिस्से का जो प्यार है वो उन्हें आपसे ही मिल जाए, इसलिए ये थोड़े से ज़्यादा उतावले भी लग सकते हैं आपको. हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. Princess of Cups, the Devil, Ten of Pentacles, and Queen of Swords. तो हमारे पास है Princess of Cups. Princess of Cups के साथ जो भी इस वक्त हालात हैं, इस person को ऐसा लगता है जैसे कि वो आपको lose नहीं कर सकते. हालात से मेरा मतलब इनके मन के अंदर का डर कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो सकते हैं. द डेविल हो सकता है आप दोनों के लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन जो आपको उनसे दूर कर देगा. किसी फ्रेंड पे बहुत ज़्यादा डाउट हो सकता है इनको, किसी आपके फैमिली मेम्बर पे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डाउट हो सकता है. कोई फैमिली मेम्बर आपका ऐसा हो सकता है जो इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उन्हें लगता है कि ये जो फैमिली मेम्बर है वो उनके अगेंस्ट है और आपके कान भरता है, आपके दिमाग में नेगेटिविटी डालता है उनके प्रति. इसीलिए ये पर्सन इस डेविल को पसंद नहीं करता. उनके अकॉर्डिंग ये डेविल है. डेविल का मतलब जरूरी नहीं कि ये चीज़ डेविल ही हो. और सबसे बड़ी बात ये है कि डेविल है इनके दिमाग के अंदर की इनसिक्योरिटी और डर के बारे में. सबसे बड़ा डेविल इनके दिमाग के अंदर है, वो इन्हें समझ नहीं आ रहा फिलहाल. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ एरीज, इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि उनमें और फ्रेंड्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, या यू कहे कि इस पर्सन को लगता है कि वो अभी भी फ्रेंड जोन में ही है या फ्रेंड जोन ही है. वो अभी भी आपकी नज़र में कोई ऐसी जगह हासिल नहीं कर पाए जो उन्हें चाहिए. तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप में उन्हें सीरियसली नहीं लेते, या आपको लगता नहीं कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप के काबिल हैं, या फिर उन्हें ये नहीं लगता कि ये जो रिलेशनशिप है वो वर्क करेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आप किसी और को चूज कर लेंगे. मन के अंदर बहुत डर है, ये पर्सन बिल्कुल भी सिक्योर नहीं फील कर पा रहा. टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ एरीज, ये पर्सन आपकी लाइफ को देख रहा है और इन्हें लगता है कि आप खुश हैं, आपके लाइफ में एंजॉय करने के बहुत रीज़न हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स सब आपके साथ हैं, खुश हैं आपके लिए, एंड ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके पास नहीं है. टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि आपको कभी भी इग्नोर नहीं किया गया, आपको हमेशा इम्पोर्टेंस मिली है, और आप उनका पेन नहीं समझते. उन्हें लगता है कि आप उनके डार्क साइड को नहीं समझते, आप उनके दर्द को नहीं समझते. उम्मीद ये करते हैं कि आप बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाएं, पर ये पॉसिबल नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन आपको थोड़ा सा जिद्दी नजर आ सकता है. आपको पहले कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, एंड फिर जब आप रिएक्ट करेंगे या अपने तरीके से चीज़ों को करेंगे तो इस पर्सन को बुरा लग सकता है. ये एकदम से साइलेंट हो जाएंगे. इस पर्सन को बहुत कुछ फील हो रहा है जिसके बारे में ये खुलकर बताना नहीं चाहते. ओके, जैसे इनसिक्योरिटी, डर, ये समझना कि वो अभी भी फ्रेंड जोन में ही है, ये सारी चीज़ें इन्हें अंदर से खाई जा रही हैं. चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है एरीज. Sisterhood of the Rose, Beauty and Devotion, Priestess, Mystique, Teacher. So ये कार्ड कह रहा है आपसे कि इस पर्सन की नज़र में आप ब्यूटी हैं और डिवोशन हैं. आप वो पर्सन है जो खूबसूरत तो है ही और जिसके अंदर लॉयल्टी भी भरी हुई है. आपका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. आप एक टीचर भी हैं जो उन्हें बहुत कुछ सिखा रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एंड आप मिस्टीक भी हैं, यानी आप बहुत कुछ जानते हैं. इस पर्सन को पता है कि आप सारी बातें समझते हैं,
पर जहाँ तक बात आती है इनकी पेन की, तो वो शायद अभी भी आप समझ नहीं पा रहे कि कितना गहरा है और वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये एग्जैक्टली ये पर्सन फील कर रहा है इस मंथ में। तो ये थी रीडिंग जुलाई की करेंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।